अफगान तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद शहर की सिक्योरिटी बदरी 313 यूनिट के सपोर्ट कर दी गई है, जो रवायती शलवार कमीज के बजाय जदीद साजो सामान से लैस। बदरी 313 यूनिट के मुख्तलिफ वीडियोज तालिबान की जानिब से वक्तन फोक्तन जारी होते रहे हैं, मगर अमली मैदान में वो पहली दफ़ा काबुल में नजर आ रही है। तालिबान की जानिब से बदरी 313 यूनिट के एहलकारों को काबुल में तमाम एहसास मकामात पर तैनात कर दिया गया, जो रवायती तालिबान जंगजुओं की रवायती वाजिया कता से मुख्तलिफ है। तालिबान की पहचान आम तौर पर शलवार कमीज से होती है, मगर तालिबान की बदरी 313 बटालियन फोर्स का लिबास बिल्कुल मुख्तलिफ है, जबकि इस यूनिट का नाम भी जंग बदर के नाम पर रखा गया है। ये फोर्स इंतहाई तरबियत याफ्ता और जदीद तरीन फौजी साजो सामान से लैस हैं, और ऐसा लगता है कि इनके ज़ेर इस्तेमाल एशिया अमरीका और अफगान फौज की ज़ेर इस्तेमाल रहे हैं। अफगान तालिबान की तरफ से जारी करदा वीडियोज़ में बदरी 313 फौजियों को आम पगड़ी के बजाय फौजी हेलमेट, सन ग्लासेस और बुलेट प्रूफ जैकेट्स और जदीद अमरीकी राइफल्स से लैस देखा जा सकता है। तालिबान की जानिब से पहली मरतबा इस फोर्स को सिक्योरिटी मकासद के लिए तैनात कर दिया गया है, जबकि मुबैना तौर पर ये पाक अफगान बॉर्डर स्पेन बोलदक का कब्जा छुड़वाने के लिए आने वाले अफगान स्पेल फोर्स का ऑपरेशन नाकाम बनाने वाले भी यही फोर्स थी। इस फोर्स की तरफ से मीडिया को दस्तियाब मालूमात तालिबान की जानिब से फराहम करदा है, जबकि अभी तक ये बात सामने नहीं आ सकी कि मस्कूरा यूनिट में कुल एहलकारों की तादाद कितनी है।